Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing indefinite integration and today I'll be taking up a very, very important topic that is special integrals. We'll be deriving all the special integrals, in fact, 6 out of 9 integrals today to be very, very specific in today's class. Okay, but before that, one of you has given a topic, a question where you might have faced some problem. Halaki iska partial solution maine kal bhi kar diya tha, but still, shayad kuch pareshani reh gayi hogi, to usko karte hain. Let's do it. तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ में आया था कि यहाँ ना ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा था कि चलो इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, राइट, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करा था, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, 9 एक्स्ट्रा रह गया, कोई बात नहीं, इसको 3 का स्क्वायर बोल दिया जाए। इसको क्या बोला हमने, 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने देखा था कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स को ए टैन थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वन को मुझे क्या लेना चाहिए, ए टैन थीटा। ए टैन थीटा मतलब कितना, ए इज व्हाट, ए इज 3, सो मुझे 3 टैन थीटा लेना चाहिए। ओके, आई थिंक यहाँ शायद हमने कुछ मिस अगर करा हो तो अभी ये समझने वाली बात है। एक्स इज ऑलवेज व्हाट, ए टैन थीटा, एंड ए स्क्वायर इज व्हाट, 3 स्क्वायर, सो वी अंडरस्टैंड दैट इट द ए इज 3 हेयर। ओके, यहाँ से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा बिकॉज अगर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो डी एक्स एंड एक्स शुड इंटायरली वैनिश बाय द इंटीग्रैंड। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा दैट इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो आसानी से डी थीटा लिखना चाहिए था मुझे, मैंने नीचे डी एक्स लिखा है विच इज रॉन्ग। We are differentiating with respect to theta. Okay. यहाँ पे मैं dx को कैसे substitute करूँगा? मैं dx की जगह पे लिखना चाहूँगा 3 sec square theta into d theta. Okay. Let's call this expression as i. इसको इस integrand को मैं i कहता हूँ। तो i की value अभी कितनी आ गई theta के form में? dx की जगह पे आपके पास आ गया 3 sec square theta into d theta. और denominator अगर आप देखते हो तो x प्लस वन तुम्हारे पास 3 है। 3 का स्क्वायर जब तुम बाहर लेके जाओगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और 9 का भी तुम्हें स्क्वायर चाहिए, राइट, ठीक है, 9 का भी स्क्वायर चाहिए। तो बाहर ब्रैकेट के बाहर लेके जाओगे 9 का स्क्वायर तो कितना होगा, 81 होगा, ठीक है, दैट्स 81। यहाँ तुम्हारे पास क्या रहा, यहाँ तुम्हारे पास रहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। सो आई होप that things are fine till this point. इसके आगे आइए, इधर expression देखते हैं। तो ऊपर तुम्हारे पास ये 1/27 को मैं बाहर रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे sec square theta denominator वाले से cancel करें तो हमारे पास एक बस sec square theta रह गया। sec square theta को ऊपर लाके क्या बोलना चाहोगे, cos square theta बोलना चाहोगे, नहीं बोलना चाहोगे, है ना, this is what, this is cos square theta. अब cos square theta कभी भी अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको linear में convert करेंगे। तो मैंने 2 से multiply किया और 2 से divide किया, और यहाँ फिर से हमें समझ में आना चाहिए कि 2 cos square theta is what, it is 1 plus cos 2 theta. Okay, 1 plus cos 2 theta. So the final answer should look like this. यहाँ पे आपके पास theta आ गया, cos 2 थीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए sin 2 थीटा upon 2, okay, along with a constant of integration. Now let's not forget we need to get back to the original thing. तो थीटा की जगह पे क्या लिखूं बताओ, थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे देखूं अगर तो tan थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा x plus 1/3, okay, so थीटा कितना हो जाएगा, इसका tan inverse, right? देखिए तो final answer आप x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/54, लेट इट बी व्हाटएवर इट इज, थीटा की जगह पे आपने क्या लिखा, टैन इनवर्स x प्लस 1/3 एंड साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा को ना मैं फिर से टैन थीटा में कन्वर्ट करूंगा। टैन थीटा के फॉर्म में साइन 2 थीटा कितना होता है देख लीजिए, अगर आप में से कुछ लोग ये फॉर्मूलाज भूल रहे हैं तो यहां मैं लिख देता हूं, और ये सब ध्यान रखना पड़ेगा यार, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, कई बार मैंने आपसे कहा है कि ट्रिगोनोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, राइट, स्पेशली जब टैन कन्वर्जन है, ये सब बातें तो हमें ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
ओके यहां आप जैसे ही साइन टू थीटा को इस फॉर्म में लेके आते हैं, टू तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन बाई थ्री, दैट इज योर न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर वन प्लस द सेम वैल्यू, दैट मीन्स एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आइए 1/54, कीप इट कॉमन, यहाँ आपके पास ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, tan इनवर्स x प्लस वन बाई थ्री, एक्स प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, दिस वुड बी x प्लस वन बाई थ्री का फॉर्म है, तो थ्री और थ्री बस एक कैंसिल होता हुआ दिखता है मुझे, ऊपर दिखता है थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस वन, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइन कैल्सियम आएगा, है ना, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन एंड द एंटायर एक्सप्रेशन वुड बी देयर। ठीक है, ये कितना होगा मेरे पास, नीचे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस नाइन, यानी कि प्लस टेन। ठीक है, सो आई वुड से दिस हैज द फाइनल आंसर अलोंग विद अ प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लीजिए क्या आंसर दे रखा है इन्होंने, 1/54 tan इनवर्स दिस इज दिस, एग्जैक्टली सेम आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चे, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके चिल्ड्रन, लेट्स लुक इन टू दीज स्पेशल इंटीग्रल्स। मेरी ओपिनियन में ये आपके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दैट वी हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, इसके आगे तीन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्पेशल इंटीग्रल्स हमें पढ़ने हैं, जो हम लोग बाई पार्ट्स के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, बाई पार्ट्स इज अनदर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, तीन मेथड से आपके पास, सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स। ठीक है, तो अभी चलो ये हम इसमें देखते हैं, हाउ कैन वी डील विद दिस क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। इतनी बात तो आपको पता लग चुकी है कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और अगर उसमें कुछ खास हम इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों ने इतनी बात तो सीख रखी है क्या, कि एक्स को ए टैन थीटा लेके आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक्स को क्या लेके स्टार्ट करोगे, ए टैन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आई कितना है, योर आई इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आज के बाद तुम्हें ये सब ध्यान रहना चाहिए। ओके, कैसे स्टार्ट करना है, कुछ और इसमें फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है, किसी भी तरीके से और ब्रेक नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा ध्यान नहीं आ रहा एक्सप्रेशन जिसको कि डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आ जाए, है ना, हालांकि थोड़ा सोचोगे तो ध्यान आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स को हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए को। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने तुम्हें तीन चार सब्स्टिट्यूशन दिए थे, उनमें से एक यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या करोगे, एक्स को आपको ए टैन थीटा लेना चाहिए, और जैसे ही आपने एक्स को ए टैन थीटा लिया तो बताओ डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो गया, इट इज ए सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, ए सेक्स स्क्वायर थीटा, सो डी एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, एक्स का नामो निशान खत्म कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे रखा ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगर ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, ए कैंसिल करोगे, बचा क्या वन बाई ए डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा होती है, दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज थीटा अपॉन ए प्लस सी। कैन इट बी द फाइनल आंसर, नो, थीटा इज योर अजम्पशन, इट शुड बी गॉन। सो फ्रॉम हेयर, जहां आपने अज्यूम करा था, आप यहां से क्या बोलेंगे कि टेन थीटा कितना है, टेन थीटा एक्स अपॉन ए है, तो थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एंड हेंस योर फाइनल आंसर वुड बी वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, this would be your final answer in this part. Okay, I hope you remember it. इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वन बाई ए नीचे आता है, राइट, कभी कभी ऐसी चीजें आपको परेशान भी करेंगी, तो परेशान नहीं होना है। आइए मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, सेकेंड रिजल्ट, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम स्ट्रेट अवे अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखने हैं। डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन में कुछ चेंज आए, इस हटके आए, तो डेरिवेशन ही काम आती है, मतलब तुमने अगर उसकी पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख रखा है तभी कर पाओगे। स्ट्रेट क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड हो जाएंगे, बट जो टेढ़े क्वेश्चन आते हैं उसमें तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वही काम आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ तुम्हारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन में
dx अपॉन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ए टैन थीटा ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या बताया था, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। बट तब बताया था जब तुम वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे एक तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ हम कुछ ना इसको वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए में कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने पीछे थोड़ा बहुत पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखा है, राइट। इसको मैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, बट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ पार्शियल फ्रैक्शन को सोच सकते हैं, वी कैन थिंक यू नो टू कन्वर्ट इनटू सम फॉर्म ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स प्लस ए, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। अब चलो करते हैं, लेट्स ट्राई। ये जो एक्सप्रेशन है वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको मैं कैसे देखना चाहता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसा हमने पढ़ा है ना पीछे पार्शियल फ्रैक्शन में, है ना। आगे भी पढ़ना है लेकिन हमने पीछे ये पढ़ रखा है, ओके। सो एलएचएस पे तो इधर अपने पास वन रह जाएगा, आरएचएस पे ए के साथ एक्स प्लस ए आएगा और बी के साथ एक्स माइनस ए आएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मैं एक बार एक्स को माइनस ए रखता हूँ, एक बार प्लस ए रखता हूँ। जैसे मैंने प्लस ए रखा, जब प्लस ए रखा तो मेरे पास कैपिटल ए के साथ ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए आया, ये वाली चीज जीरो हो गई, और यहां से मुझे कैपिटल ए की वैल्यू कितनी मिल गई, वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं माइनस ए रखूंगा तो मुझे बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए। यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी, ठीक है, यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी। जस्ट पुट इट हियर टू गेट द आंसर, कितना हो गया बताओ, ए इज वॉट वन ओवर टू ए, कीप इट आउट साइड, राइट। दिस इज डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए, बी कितना है, माइनस वन बाई टू ए, ओके। एंड दिस इज डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए, अभी तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बेटा, वन बाई टू ए को अगर आप कॉमन ले लें तो ये कितना है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, राइट, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, और वन बाई टू ए आपने पहले कॉमन ले रखा तो यहाँ माइनस आके आप क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। साथ में प्लस सी करना तो कभी भूलना ही नहीं है। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज वॉट, लॉग ए बाई बी। सो वॉट इज द फाइनल आंसर, वन ओवर टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यू आर गोइंग टू रिमेंबर द रिजल्ट अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रूफ, ओके, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक इसी तरीके से अगर आप थर्ड पे आते हैं, देखिए थर्ड रिजल्ट भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट, दैट इज योर थर्ड एक्सप्रेशन। तो ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने अभी यूज किया है, यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए, राइट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वन बाय ट्वाइस ऑफ ए डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन ओवर टू ए, ठीक है, दैट इज वॉट यू विल कम अक्रॉस। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वन बाई टू ए तो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, और ये भी कोई टेंशन नहीं है, ये कितना है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, राइट, ये कितना होगा, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, बट ये तो बड़ी टेंशन आ गई, ये तो प्लस आ गया। तो यार यू हैव टू, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट यू नीड टू डिवाइड इट बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज दैट इन दिस केस, इट्स माइनस वन, ओके। तो ये वन बाई टू ए आपके पास बाहर रहा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, साथ में प्लस सी, ठीक है, दैट इज हाउ यू गेट सच रिजल्ट्स। Moving on, the fourth thing that is there in your special integrals, ये है तुम्हारे पास dx upon, अभी under root के अंदर है, a square minus x square है ना, अब under root के अंदर है, यहाँ तो partial fraction से कुछ खास बात नहीं बनेगी, a plus x, a minus x जो under root के अंदर आएगा उसका क्या ही करेंगे, है ना।
तो ऐसे ही केसेस के लिए तो हमने कल क्या सीखे थे, कल हम लोगों ने क्या सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन। कुछ जब समझ में नहीं आ रहा है तो वही तीन चार सब्स्टिट्यूशंस काम आएंगे, वही तीन चार। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब क्या करना है, एक्स को नामो निशान मिटा दो, डीएक्स से, एक्स से, सभी जगह से। तो डीएक्स बाई डी थीटा कितना हो गया बच्चों, डीएक्स बाई डी थीटा इज कमिंग आउट टू बी ए कॉस थीटा। सो डीएक्स को आई कैन सब्स्टिट्यूट बाई ए कॉस थीटा इन टू डी थीटा, राइट। देखो ये एक्सप्रेशन अब कैसा दिखेगा आपको, ऊपर आएगा आपके पास ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज योर न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट के बाहर सिर्फ ए जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। ए गया, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये पूरा पूरा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, मतलब ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ गई सिर्फ डी थीटा की, विच इज वॉट, थीटा प्लस सी। अब ये थीटा क्या है भाई, तो साइन थीटा तो पता है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज एक्स बाई ए। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, दैट्स योर आंसर। ओके, दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड यू आर गोइंग टू रिमेम्बर ऑल ऑफ इट, ये सारे याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको याद रखने की तरकीब भी सीखेंगे, ठीक है, कैसे इसको याद रख सकते हैं, कैसे हम भूलेंगे नहीं, ये बात भी अभी सीखेंगे, अभी सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, बट पहले अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है, राइट। इट इज ओनली योर अंडरस्टैंडिंग दैट यू डेवलप इन दीज डिस्कशंस, एंड द मोर यू प्रैक्टिस यू एंड यू नो यू मेक अ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ किस तरीके से उन सिचुएशंस को डील करना है। तो चलो देखो, पहले ये दो प्रूफ्स और एक बार डिस्कस करते हैं जल्दी से। अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, पहली बात फैक्टराइज होगा नहीं, दूसरी बात और अंडर रूट भी है, मतलब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन ही कुछ सोच पाएंगे और तो कुछ भी दिमाग में नहीं आता, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या हमने सोचा था, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, तो ऐसे ही करते हैं, राइट। ये एक्सप्रेशन रहा आपके पास, व्हाट इज दिस, डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट आर वी गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, ए टैन थीटा। अब क्या करना है, हर जगह से x का नामो निशान मिटा देना है। तो आपने dx by dt डाल दिया, dx by dt डाल दिया, what is this, a sec square theta। तो dx की जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं, ये हमें पता लगता है, a sec square theta into theta, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज a sec square theta into d theta। यहाँ जब आप x की जगह पे a tan theta रखोगे तो a square बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये आएगा, एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल गिव यू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज व्हाट, इट इज sec थीटा। सो दिस sec थीटा एंड दिस स्क्वायर इज कैंसिल्ड, और यहाँ आपके पास रह गया सिर्फ sec थीटा, ठीक है, सिर्फ sec थीटा। ऐसी ये जो हमारे पास sec थीटा d थीटा है, ऐसी कंडीशन आपने पहले डील कर रखी है सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग सीख रहे थे तब, अभी से शायद तीन चार क्लास पहले, कितना आता था, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, log of sec theta plus tan theta plus c, that's all। अच्छा, लेकिन अभी that's all कैसे बोल सकते हैं, ये theta यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, x से वापस में लेके आना पड़ेगा। तो चलो सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan theta को तो मैं x by a लिख लूंगा, tan theta को क्या लिख लूंगा, x by a। और जब मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं तुम्हें पता है मैं टेंशन वेंशन जो लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, वहां पे थीटा ड्रॉ करता हूँ, अच्छा tan theta x by a है, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, x square plus a square। अगर tan theta x by a है तो sec theta क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि x square plus a square upon base, हो गया काम खत्म, फिनिश, राइट। फाइनल आंसर क्या बोलोगे, ln sec theta की जगह पे तुमने लिखा अंडर रूट ऑफ x square plus a square upon a, और tan theta की जगह पे आपने क्या लिखा, x upon a, ठीक है, plus c। आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये एलसीएम तुम्हारे पास ये पूरा पूरा आ जाएगा, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, सो दिस इज लॉग ऑफ ए, ए कितना है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, हमने पहले भी सीख रखा है कि कभी भी जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, अगर उसके बाद कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखते हैं हमेशा, ln
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस के, कोई भी कॉन्स्टेंट प्लस सी भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। दैट इज हाउ यू गेट दिस रिजल्ट, आई होप यू गेट इट, ठीक है। एक और रिजल्ट है, इसको भी हम देखना चाहेंगे। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आओ लिख लेते हैं, है ना। एक और रिजल्ट है, इसको भी हम देखना चाहेंगे। डीएक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन फैक्टराइज तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस ए में, बट अंडर रूट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो क्या रास्ता क्या बचता है, सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करो, क्या सब्स्टिट्यूट सिखाया था मैंने यहाँ पे, क्या टेन थीटा, नहीं, क्या साइन थीटा, नहीं, तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। मैंने बोला था सेक थीटा को प्रायोरिटी देना, यानी मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रखना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आती है, दिस विल गिव मी ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, चलेगा, ठीक है, ओके। एक्सप्रेशन कितना आया, डी एक्स की जगह पे आ गया मेरे पास ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स की जगह पे ए सेक थीटा रखा तुमने, तो ए बाहर आया। सेक स्क्वायर माइनस वन, व्हाट इज दैट, दैट इज टेन, दैट इज व्हाट, दैट इज टेन। तो देखो ये टेन थीटा तो गया और तुम्हारे पास ए भी गया, तो आंसर कितना आया, सेक थीटा डी थीटा। ये क्या होता है, ये तो जाना पहचाना है, दिस इज लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा भाई sec थीटा को तो x by a लिख लेंगे, फिर से वही ट्रायंगल वाली बात आ जाती है, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं, ये रहा तुम्हारा थीटा। अब sec थीटा x by a है, x by a का मतलब क्या हो गया, ये x और ये a, sec थीटा होता क्या है, hypotenuse by base, तो ये हो गया ना, perpendicular कितना हो जाएगा, hypotenuse का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें बिल्कुल भी, ठीक है। sec थीटा की जगह पे आपने रखा x upon a, और tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, आप कांस्टेंट लीजिए, काम खत्म। ln x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c डैश, है ना, माइनस log a, वो भी एक कांस्टेंट है, उस पे चला जाएगा। इस तरीके से ये 6 के 6 रिजल्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, यू विल टेक केयर ऑफ देम। अब बात आती है सर इसको याद कैसे रखें, है ना, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट कैन स्ट्राइक योर माइंड। चलो उसकी भी बात करते हैं, लेट्स टेक अप, कैसे याद रखेंगे। देखो तुम्हारे पास ना टोटल 9 फॉर्म्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं, 9 स्पेशल इंटीग्रल्स के, उनमें से 6 तुम्हारे सामने है, 3 और फॉर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। तो जो 9 के 9 फॉर्म्स है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे है। ये पहला तुम्हें कैसा दिखता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुम चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो, दैट इज ऑल द सेम। तीसरा आप ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और अब इन्हीं के फिर तीनों के अंडर रूट हो गए नीचे, तीनों के अंडर रूट होंगे। सबसे पहले तो ये 6 फॉर्म्स तुम्हें समझ में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज किस में हो, कैसे ध्यान रखोगे भाई, x = a tan थीटा देते हैं तो हमारे पास 1 / a tan इनवर्स x / a आ जाता है, ठीक है, x / a आ जाता है प्लस ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाला हो जाता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाले में a माइनस x a प्लस x आता है, है ना। तो जहां पे x नेगेटिव है, ध्यान रखना, जहां पे x नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव है, ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हारे पास x नेगेटिव है, राइट, दोनों में 1/2 आएगा, पहली बात तो ये, दोनों में 1/2 आएगा, दोनों में नेचुरल लॉग आएंगे। अब गलतियां हमसे कहां पे होती हैं, किसमें ऊपर a माइनस x में है, किसमें ऊपर a प्लस x है, ठीक है। तो जहां पे x नेगेटिव है वहां पे x नीचे आएगा, इसको तुम ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। बार बार डिराइव करके थोड़ी ना रिजल्ट देखते रहोगे, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। और जहां x पॉजिटिव है वहां पे तुम्हारे पास एक माइनस वाला टर्म ऊपर आएगा, जहां x नेगेटिव है वहां माइनस वाला टर्म नीचे, और जहां पॉजिटिव है वहां माइनस वाला टर्म ऊपर,
ठीक है, डेरिवेशन हमने देख लिया है, अब ये देखना है कि एग्जाम में रिटेन कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी का जब अंडर रूट वाला वर्जन आता है तो क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से। अगर तुम्हारे पास पहले वाले का अंडर रूट वाला वर्जन आया, यानी कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बहुत प्यार से समझना, राइट, रिटेंशन इज एज इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग, राइट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग विल वर्क इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट मोस्टली यू विल बी फेसिंग इजी सिचुएशंस वेयर यू विल बी स्ट्रेट अवे अप्लाइंग दीज क्वेश्चंस, दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए रिटेंशन पे भी ध्यान देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब तुम सिर्फ ये सोचना है इसमें कि अच्छा साइन ए साइन थीटा किसमें रखते हैं, ए साइन थीटा किसमें रखते हैं, सेकेंड कैटेगरी में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जो फॉर्मूले लिखे भूल जाओ, ठीक है, किसमें रखते हैं हम लोग हमेशा, किसमें रखते हैं, सेकेंड कैटेगरी में, ठीक है। तुम अगर ध्यान से देखो तो अभी तक जिसमें विदाउट अंडर रूट वाले थे सब में नीचे वन बाई ए, वन बाई ए है, ठीक है, लॉग वाले में वन बाई टू ए है, अदरवाइज वन बाई ए है। अब अंडर रूट वाले में वन बाई ए की सारी सिचुएशन गायब हो गई, तुम्हें पता है क्यों गायब हुई, बिकॉज जब हम ए सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसमें हमारे पास वन बाई ए स्क्वायर की वजह से ए ए के रह जाता है, बट यहाँ क्योंकि अंडर रूट है तो ए और ए कैंसिल हो जाते हैं, दैट्स द रीजन। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन थीटा वाला था, तो ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमें कितना देगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बाकी दोनों सीधे सीधे आंसर है स्ट्रेट अवे, क्या, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यू गेट दिस, ठीक है, डेरिवेशन के साथ साथ हमें आंसर तक पहुंचना कैसे है ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आओ जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ओके, नाउ वी वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, राइट, लेट्स से रैंडमली आई पिक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये मुझे कैसा दिखता है, राइट, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो कैसा भी फॉर्म नहीं है, है ना, ऐसा लगता है कैसा भी फॉर्म नहीं है, बट ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, राइट। जैसे मैं ना बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, देखो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हुए कभी भी परेशान नहीं करता, तो टेक इट कॉमन। अब ऐसा तो है नहीं कुछ भी कर लो, जो चाहे वो कर लो, भाई मैथमेटिक्स है, यहाँ पे तो किसी के पापा का राज नहीं चलता, ठीक है, बी स्क्वायर से तुमने इसको डिवाइड करा है पूरे एक्सपेरिमेंट को, तो सबको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब ये कौन सा फॉर्म है, कुछ जाना पहचाना फॉर्म नहीं लग रहा तुम्हें, सोच के देखो ये तुम्हारे पास कैसा फॉर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। अब सोचने की बात है, अच्छा इसका क्या आंसर था, वन बाई टू ए एल एन ए माइनस एक्स के प्लस एक्स, एक्स जब नेगेटिव था, एक्स जब नेगेटिव था तो कहाँ पे आया था, नीचे आया था, ठीक है, यही सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, आई होप तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, देखना चाहोगे a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, है ना। तो ये इस तरीके से अगर ध्यान रख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज टेंशन में तो आना बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। अब सोचने की बात है, वन बाई बी स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, वन बाई टू ए, दिस इज वन बाई टू ए, ओके, तो वन बाई टू ए, जरा ये सोचो a क्या है तुम्हारे पास, a है तुम्हारे पास a बाई बी, तो a बाई बी का b ऊपर जाएगा, राइट, और लॉग के अंदर a प्लस एक्स, ए कितना है a बाई बी, और a माइनस एक्स यानी कि a बाई बी माइनस एक्स प्लस c। क्या लिखना चाहोगे आंसर, फाइनल आंसर क्या लिखना चाहिए आपको, आपको बोलना चाहिए वन ओवर ट्वाइस ऑफ ए बी लॉग ऑफ दिस वुड बी वन प्लस बी एक्स अपॉन आई मीन a प्लस बी एक्स एंड a माइनस बी एक्स, ठीक है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। आओ थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, राइट, जल्दी से कोशिश करते हैं कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकें। तो आइए रैंडमली ये वाला देखें, ठीक है, अच्छा मान लो फोर्थ अगर देखना हो तो इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं, इसको आराम से डिवाइड कर देना लॉन्ग डिवीजन से और उस पर कन्वर्ट कर देना, ठीक है, स्ट्रेट अवे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ओके। आओ देखो कर ही देता हूँ, जैसे कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव, चलेगा ना, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, चलना चाहिए ना, चलना चाहिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं, सब चलना चाहिए, जो हम सही चलाएंगे वो चलेगा। ये क्या बचा, सिर्फ dx,
This is only dx. Dx is what? X. And minus 5 times of x square plus a square. What is that? 1 by a. 1 by a is what? A square is 4. So a is what? 2. Tan inverse x upon a. Tan inverse x upon a. X by 2. Plus c. Finish. Samajh rahe ho? That's your question number 4. तो बहुत आसान था, मैं इसको स्किप करना चाह रहा था, बट ठीक है, सब कुछ आसानी है, सारे स्किप करने कर देंगे, ओके, आइए, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, randomly, let's have a look at the seventh one, a square minus b square, अब ये कैसा दिखता है, पता है, ये मुझे ऐसा दिखता है, dx upon under root of a square minus x square, याद करो क्या था ये, याद करो भाई, याद करो, क्या था, sin inverse x upon a plus c. अब ये बी इसमें हिंडरेंस कर रहा है, परेशान कर रहा है, हटाओ ना, जो परेशान कर रहा है उसको बाहर करो, बी स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लेके जाओगे, क्या निकलेगा, 1 बाई बी निकलेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या आया, अगर आपने बी कॉमन लिया है, मतलब अंडर रूट के अंदर ये आपके पास ए बाई बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट थोड़ा लंबा बना लो है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये देखिए ये ऐसा है, ठीक है, और ये क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ वैसे ही फॉर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे कितना ए बाई बी है, बस इतना ही तो फर्क है, सो व्हाट इज द आंसर हियर, यू वुड बी सेइंग 1 बाई बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बाई बी, सो दिस बी वुड कम हियर प्लस सी, ठीक है, आंसर आपको क्या देना चाहिए, 1 बाई बी साइन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए, ठीक है बच्चों, शायद टाइम खत्म हो रहा है, अब आप इन क्वेश्चन को करें आपको परेशानी नहीं आएगी, टेंथ क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लेना, है ना, देखो मैं कोशिश करता हूँ बचे हुए टाइम में सॉल्व करने की, अगर बीच में ओवर हो जाए तो परेशान मत होना, कल वाली क्लास में ट्राई कर लेंगे, आप पहले करना, नहीं होगा तो कल कर लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस 1 करोगे तो ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना टेंथ का, इसको तुम कैसे लिखोगे, तुम इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज